नए वजीर आजम का पहला दौरा, शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के हमराह मियां शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वजीर आजम सबसे पहले मजार कायद पर हाजिरी देने जाएंगे। मजार और अतराफ के इलाके की सफाई कर दी गई। शहबाज शरीफ MQM के मरकज बहादराबाद भी जाएंगे। नई हुकूमत बनने के बाद इदारों में तब्दीलियां जारी। डायरेक्टर FIA बाबर बख्त कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ताहिर खुर्शीद को भी ओहदे से हटा दिया गया। झूठी खबरें और प्रोपागेंडा मुहिम परवेज इलाही को शिकस्त से नहीं बचा सकती। अब्दुल अलीम खान के तर्जुमान का कहना है, हमजा शहबाज के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। सोशल मीडिया पर ऐसी भोंडी हरकतों से परवेज इलाही को कुछ हासिल नहीं होगा। हमजा शहबाज को वजीर आला बनाएंगे। PTI आज पेशावर में जलसा करेगी। इमरान खान खिताब करेंगे। 16 अप्रैल को कराची और 21 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान। साबिक वजीर आजम कहते हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। कौम को पेशावर जलसे से पैगाम दूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत एक बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई। हम सब ने मिलकर पूरी तहरीक चलानी है कि फौरी तौर पे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए। और इस्लामाबाद एहतसाब अदालत इसहाक डार और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समाअत। इसहाक डार की वतन वापसी के तस्करे, शरीक मुलजिम के वकील ने कहा, सुना है कि इसहाक डार का पासपोर्ट जारी हो गया है, मरकजी मुलजिम वापस आ रहा है तो इंतजार कर लिया जाए। अदालत इस केस में फैसला सुनाने की जल्दी ना करे। अदालत ने समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।